देखिए उच्च न्यायालय का, अरे अरे उच्च न्यायालय का फैसला आया है और हम लोगों को शुरू से ही न्यायालय पे भरोसा था कि न्याय जरूर मिलेगा। और आप सब लोग जानते हैं कि सजा की जो आधी अवधि जो होती है, हाफ सेंटेंस जो होता है, वो लालू जी ने पूरा किया है। और इस तौर पे जो है उच्च न्यायालय ने लालू जी को बेल दिया है। पूरी खुशी की लहर पूरे देश भर में है। देश की ज़रूरत और देश में सभी लोगों को इंतज़ार था लालू जी की, और लालू जी को आज भैया पर बेल मिला है। इसके लिए माननीय हाई कोर्ट को हम धन्यवाद देना चाहेंगे। और अभी फिलहाल लालू जी जो हैं एम्स में भर्ती हैं, इलाज चल रहा है और बेल मिली है, इसकी खुशी है। लेकिन हम लोगों की चिंता उनके स्वास्थ्य को लेके भी है। अभी आप सब लोग जान रहे हैं कि लालू जी गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं और हार्ट पेशेंट होने के अलावा उनमें अभी किडनी में इन्फेक्शन काफ़ी ज़्यादा है, सांस लेने में तकलीफ है। इसको देखते हुए अभी लालू जी का इलाज जो है एम्स में चल रहा है और एम्स में ही चलेगा। तो अभी पर ज़्यादा क्या कहना, लेकिन भैया मुंह में एकदम बिहार के लोगों में एक बड़ी खुशी है इस बात को लेकर। देख रहे हो अब उनके मसीहा जो है वो बाहर आएंगे, लेकिन अभी फिलहाल उनका इलाज चल रहा है और अभी हमारी डॉक्टरों से भी बातचीत चल रही है और डॉक्टर ने भी अपने मॉनिटर में रखने की बात कही है। जब तक लालू जी पूरे तरीके से स्वस्थ नहीं हो जाते या जो डॉक्टर की जो सी राय होगी उसी प्रकार से हम लोग जो कदम उठाएंगे। अंत अंत तक सीबीआई ने ट्राई किया कि बेल ना मिले, लेकिन फिर भी बेल मिल गए। सीबीआई का तो काम है, सीबीआई तो अपना जो निर्देश होता है उसी हिसाब से काम करती है। लेकिन एक बात तो साफ था, हाफ सेंटेंस पूरे होने पर बेल मिली है, सारी कैलकुलेशन वगैरह सामने आ गई है। सरदारी बैठक पर क्या हुआ, कोरोना को लेकर आप लोग का क्या डिमांड है? कांग्रेस ने डिमांड कर दिया बिहार में लॉकडाउन का, आप लोग क्या चाहते हैं? देखिए मांग कर दिया नहीं किया, सरकार जो है पहले से सब कुछ सोच करके बैठी हुई है। एक साल से हम लोग सुझाव देते रहे, नीचे कीजिए ना थोड़ा। केंद्र की टीम भी याद करें तो केंद्र की टीम भी आई थी, उसने भी सलाह दी थी, लेकिन एक साल में आप बताइए एक डेडिकेटेड कोरोना अस्पताल बताइए। अगर चंपारण हो, कोसी का इलाका हो, दूर दराज में कहीं दूसरे जिले से सभी कोरोना पीड़ित मरीज जो हैं पटना आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? राज्य मुख्यालय पटना में स्थिति जो है भयावह, अस्पताल जो है एडमिट नहीं कर रहा। सरकार तो एक जब फंस गई है, जब उसकी असलियत जब सबके सामने आ गई है, तो एक औपचारिक एक मीटिंग करके दूसरे के सर पर जो है डाल करके अपना काम कर रही है। लेकिन सरकार ने तो सब कुछ निर्णय किया ही हुआ है। आपने क्या सुझाव दिया सर? हमने यही सुझाव दिया लॉकडाउन को लेकर के कि भैया अगर सरकार मन बना ली है लॉकडाउन करने का तो पहले वीकली लॉकडाउन होना चाहिए। और लॉकडाउन अगर आप कर रहे हैं तो आप पहले से सबको इन्फॉर्म कर दीजिए। बिहार के लोग जो हैं बाहर रह रहे हैं या आप उसी हिसाब से आप पहले तैयारी कर लीजिए। ऐसे आनंद फानन में कोई लॉकडाउन करने का कोई मतलब नहीं है। आनंद फानन में लॉकडाउन जब किया गया तो आपने हमने तस्वीरें देखी बिहार की क्या हालत, तो पहले तैयारी जो है वो पूरी कर ली जाए, लोगों को सूचित कर दिया जाए, फिर जो है लॉकडाउन की प्रक्रिया अगर आप करना चाहें तो किया जाए। और आप देखिएगा ना कि यहाँ लोग कितना लोग जो है मर रहा है, ऑक्सीजन नहीं है, दवा नहीं है, पता है डॉक्टरों की कमी है। अब तक जो है डॉक्टर के पद खाली है, भरा तक नहीं गया। एक साल कम होता है क्या?
एक अस्पताल आप तैयार नहीं कर पाए, एक कोई टेस्ट होता है एक हफ्ता रिजल्ट आने में लगता है तब तक वो कितना को संक्रमित कर देगा। कोई व्यवस्था इस सरकार की नहीं है। पीएम केयर से कितना पैसा मिला बताए जरा, मिला भी है कि नहीं मिला, मिला है तो किस चीज में इस्तेमाल हुआ? सभी विधायकों का फंड लिया गया था, कहाँ खर्च हुआ? कोई पारदर्शिता नहीं रखी गई। अब तो हेल्थ डिपार्टमेंट हर चीज छुपाता है, हमने ये भी बोला ट्रांसपेरेंसी रखिए, डेली जो है आप बताइए कितने लोग संक्रमित हुए, कहाँ हुए, इसकी जानकारी बुलेटिन जारी कीजिए। बहुत सारे अलग हमने 30 सुझाव, वो हम आप लोगों से भी साझा कर देंगे, व्हाट्सएप पे डाल देंगे, 30 सुझाव जो हैं 30 सजेशन हमने सरकार को दिए हैं। लेकिन सरकार को सलाह देने का मतलब क्या है? एक साल हो गए, पहले मेरे जितने सलाह उस पर भी गौर कर लीजिए, लेकिन सरकार करना ही नहीं चाहती। सरकार विफल हो चुकी है, कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रही है, इसलिए ये सर्वदलीय का जो है बहाना मार करके मन बनाया और जो करना होगा करेगा। वैक्सीनेशन नहीं मिल रहा बहुत जगह, वैक्सीनेशन नहीं मिल रहा है, कितना डोज डबल डोज होने के बाद भी लोग पॉजिटिव हो रहे हैं। कुछ लोगों का राय कि वैक्सीन जो है आप पॉजिटिव हो जाए इसको रोक नहीं सकता, लेकिन स्प्रेड आउट करने से रोकता है। वैक्सीन हेल्प्स यू टू इन स्प्रेडिंग आउट, तो स्प्रेडिंग आउट में अगर है, लेकिन इसमें पाबंदी है ना, वो तो केंद्र सरकार से मांग करनी पड़ेगी कि बिहार को छूट दे और ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन दे और डोर टू डोर कैंपेन चला करके लोगों को वैक्सीन देने का काम।